Hey guys, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा के एक प्रोग्राम के बारे में, जो प्रोग्राम ये कहता है कि अगर आपको किसी दिए गए नंबर का प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स निकालने का मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए आपके पास एक वैल्यू थी, यानी कि नंबर था, मान लीजिए 243। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो हर एक डिजिट को आप अलग अलग करेंगे और उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 × 4 × 3, तो 2 × 4 = 8 और 8 × 3 = 24, ये होगा आपका फाइनल आउटपुट, यानी कि फाइनल आंसर। तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम की स्टार्टिंग आपको ऑलरेडी पता है, सबसे पहला हमारा जो स्टेटमेंट होता है वो इंपोर्ट स्टेटमेंट होता है। तो हम लिखते हैं क्या, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट क्या स्कैनर, यहाँ स्कैनर का एस कैपिटल होगा, याद रखिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम अभी क्लास बनाते हैं, मान लीजिए हम लिखते हैं क्लास का नाम SOD, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स। इसके अंदर लिखते हैं क्या, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, सब छोटा है, कुछ भी इसमें बड़ा नहीं, कोई भी कैपिटल लेटर नहीं, सारे स्मॉल लेटर। यहाँ पे एस कैपिटल हो जाएगा स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग ARGS। देखिए जरूरी नहीं आप ARGS ही लिखिए, आप ए भी दे सकते हैं, ये नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते ही सबसे पहले हमें क्या सोचना है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि आखिर हमें इनपुट कुछ लेना है। तो हाँ बिल्कुल, हमें कोई एक नंबर इनपुट लेना है, तो सपोज कीजिए उसके लिए हम एन लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं इंटीजर टेबल का एक एन, ठीक है। अभी इस एन में वैल्यू डालनी पड़ेगी, यानी कि यूजर से हमें इनपुट लेना पड़ेगा। तो यूजर से अगर हमें इनपुट लेना है तो डेफिनेटली हमारे पास स्कैनर का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो स्कैनर को हमने इंपोर्ट तो कर लिया है, अब उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो स्कैनर टाइप का, ठीक है, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम हम देते हैं SC इक्वल टू न्यू स्कैनर, राइट, और ब्रैकेट में हम क्या देते हैं, सिस्टम डॉट इन, परफेक्ट। ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट स्कैनर क्लास का, यानी कि अब हम रेडी हैं किसी भी तरह के इनपुट को यूजर से रीड करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम मैसेज प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से। सिस्टम का यहाँ एस कैपिटल होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट क्या प्रिंटलन, ठीक है, एंटर नंबर, यानी कि क्या करो आप नंबर दो, राइट। अब वो नंबर जो भी देगा उसे हमें रीड करना है, तो रीड करने के लिए आपको पता है कि n इक्वल टू क्या लिखोगे आप, sc डॉट क्या नेक्स्ट इन। तो यानी कि आप एक इंटीजर वैल्यू क्या कर लिया, आपने रीड कर लिया। तो सपोज कीजिए यूजर जो है वो n में क्या देता है, कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए देता है 542, ये आपको देता है यूजर इनपुट, ठीक है। अब आपको इसी का प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, यानी कि 5 × 4 × 2 क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है प्रोडक्ट निकालना है। तो मान लीजिए मैं एक प्रोडक्ट नाम का, यानी प्रो नाम का वेरिएबल लेता हूं और उसको कितना पे सेट करता हूं, 1 पे सेट करता हूं। अब क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट नाम के वेरिएबल को मैंने 1 पे क्यों सेट किया, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये होता है उसका रीजन। इसीलिए हमने प्रोडक्ट को कितना पे सेट किया है, 1 पे सेट किया है। अब आता है लॉजिकल सेक्शन, हमने इनपुट तो ले लिया, अब हमें इसका लॉजिक लिखना है कि कैसे हम वो अचीव करेंगे। तो लॉजिक में हमारे पास एक लूप होगा जो होगा व्हाइल, जब तक कि n की वैल्यू 0 से क्या है, बड़ी है, तब तक हम क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय n मॉडुलस व्हाट 10 एंड देन वी विल डू n इक्वल टू n डिवाइड बाय 10। दिस इज द लॉजिकल सेक्शन, ये लॉजिकल सेक्शन हमें हमारे प्रोग्राम का प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स निकाल के दे देता है, यानी जो नंबर हम यूजर से लेंगे प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, बस इतना ही लॉजिक से। अब क्वेश्चन ये आता है कि या तो आप ये रट लीजिए, तो अगर आपको सिर्फ एग्जाम में पास होना है तो ये रट लीजिए और एग्जाम में लिख दीजिएगा, लेकिन अगर आपको आगे चल के प्रोग्रामर बनना है, आगे चल के आप अच्छी कंपनी में जॉब पाना चाहते हैं, तो आपकी बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका एग्जीक्यूशन आपके सिस्टम कैसे करता है। तो उस चीज को हम लोग कहते हैं ड्राई रन, क्या कहते हैं हम लोग, ड्राई रन, यानी कि कैसे कंपाइलर आपके स्टेटमेंट्स को 1 by 1 एग्जीक्यूट करता है। तो यहां तक तो हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं क्योंकि हम n में वैल्यू डाल चुके हैं, तो n में वैल्यू हमने डाल दिया है 242। अब हमें ये देखना है कि व्हाइल कैसे काम करता है, ठीक है। तो व्हाइल जो काम करता है, जैसे ही व्हाइल मिलता मतलब लूप है और इसके बीच में कंडीशन होता है, और ये लूप का प्रॉपर्टी होता है कि ये तब तक रन करता है जब तक इसके दिए गए कंडीशन क्या होता है, ट्रू होता है। तो n 0 से बड़ा है, देखिए तो 542 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, बड़ा है तो ट्रू है, इसके अंदर आया और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। तो क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि दोनों में डिफरेंशिएट हो, प्रोग्राम अलग और ड्राइवर अलग, तो ये लाइन हमारा एग्जीक्यूट होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई एन मॉडुलस 10। प्रोडक्ट में क्या है, देखिए पहले प्रोडक्ट में 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई एन मॉडुलस 10,
n modulus 10 का मतलब क्या होता है? n modulus 10 मतलब n को डिवाइड कीजिए 10 से और देखिए रिमाइंडर कितना है। तो खुद देखिए, अगर आप 542 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, तो 1 into 2 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और फिर अगली लाइन क्या आएगा, तो n equal to n divide by 10, n को 10 से डिवाइड कर दो और जो वैल्यू आया उसको n में ही डाल दो फिर से। इसका मतलब सीधी सी बात है कि n को ही 10 से डिवाइड करो और n में ही स्टोर कर लो। तो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे 542 को, जब हम 10 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा 54.2, राइट। अब जब ये बन गया 54.2, तो ये n देखो किस तरीके का है, n जो है वो यहाँ पे किस तरीके हमने बनाया, इंटीजर टाइप का बनाया है। तो क्या इस n में डेसिमल वैल्यू जाएगा? नहीं जाएगा, तो इस डेसिमल वैल्यू को खुद से हटा देगा और वैल्यू n में जो बचेगी वो बचेगी 54। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग, यानी कि चूंकि n में डाले जाने वाला वेरिएबल किस तरह का था, फ्लोट का था, लेकिन n का डेटा टाइप इंटीजर था, इसलिए n ने डेसिमल वाले पार्ट को खुद से ही इग्नोर कर दिया और सिर्फ इंटीजर पार्ट को, यानी जो कि 54 इस केस में बचा, उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो अब n की वैल्यू 54 हो गई। जैसे ही ये लूप यहां बंद हो रहा है, लूप की प्रॉपर्टी होती है फिर से ऊपर जाता है, जाके देखिएगा कि n की वैल्यू 0 से बड़ी है क्या। n की वैल्यू कितनी है, 54, 0 से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, ट्रू है। फिर से आया, फिर से ये स्टेटमेंट मिला उसको, तो फिर से ये स्टेटमेंट एक्सिक्यूट करेगा। क्या करेगा एक्सिक्यूट? प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई एन मॉडुलस 10। प्रोडक्ट की वैल्यू जो यहाँ पे अभी तुरंत 2 निकली थी, है ना, 2 निकल चुकी थी, तो अभी लेटेस्ट वैल्यू 2 होगा, मल्टीप्लाइड बाई एन मॉडुलस 10, यानी कि एन को 10 से डिवाइड कीजिए और बताइए रिमाइंडर कितना है। तो 54 को आप 10 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये क्या 2 4 जो कितना 8, तो प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो अपडेट हो गई, अब 2 से कितनी हो गई 8 हो गई। फिर से अगली लाइन में आता है, अगले देखते हैं n equal to n by 10, तो n में कितनी वैल्यू है 54, 54 को 10 से डिवाइड कीजिए तो ये क्या बन जाएगा 5.4, पॉइंट खत्म। अब n की वैल्यू कितनी हो गई अपडेटेड, 5 हो गई। अब ये फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा n की वैल्यू 0 से बड़ी है क्या, n में कितना है 5, अभी भी 0 से बड़ा है, बिल्कुल है। ये स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट करेगा, क्या प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई एन मॉडुलस क्या 10, तो प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू आ चुकी है, देखिए तो प्रोडक्ट में 8 आ चुका है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई एन मॉडुलस 10, एन की वैल्यू कितनी है 5, राइट, एन की वैल्यू निकल चुकी है 5। अब आप कहते हैं कि 5 में 10 से डिवाइड करो, 5 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, आप नहीं कर सकते, तो उस केस में वो नंबर ही खुद क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 5, तो 8 4 8 5 कितना हो जाएगा 40, तो प्रोडक्ट में जो लेटेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 40। उसके बाद n इक्वल टू n बाई 10 एग्जीक्यूट करेगा, हाँ जी करेगा, तो 5 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 0.5, तो 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 भी लिख सकते हो ना, तो ये पॉइंट वाली वैल्यू तो खत्म हो जाएगी क्योंकि ये n जो है वो इंटीजर टाइप का है, तो n में जो इस बार वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब जब ये ऊपर जाएगा और चेक करेगा कि n की वैल्यू 0 से बड़ी है क्या, तो n में कितना है 0, 0 से बड़ा है, नहीं, फॉल्स, लूप क्या हो जाएगा टर्मिनेट। जब तक लूप टर्मिनेट हुआ हमारा वैल्यू देखिए तो प्रोडक्ट में क्या आ चुका है 40, कैलकुलेशन हो चुकी है ना, 5 × 4 × 2 अगर आप करेंगे तो 5 4 22 = 40, यानी कि हमारा जो लॉजिक है वो बिल्कुल सही था। अब हमें क्या कर देना है, तो बस हमें इस प्रोडक्ट की वैल्यू को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो उसके लिए अगर हम ये कहें कि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा देते हैं, बस यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्या कर देंगे, हम यहां कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स इक्वल टू प्लस क्या प्रो, ठीक है, पी आर ओ, ये बंद, ये हो जाएगा हमारा मेन बंद, ये हो जाएगा हमारा क्लास बंद, और प्रोग्राम का नाम क्या होगा, sod.java, क्योंकि हमारे क्लास का नाम क्या है, sod है। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। अब इसको आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कीजिए, डेफिनेटली सेम प्रोग्राम टाइप कीजिएगा, चाहे वो आप ब्लूजे पे रन करें, चाहे वो आप नेटबीन्स पे, चाहे वो एक्लिप्स पे, चाहे वो कमांड प्रॉम्प्ट पे, या तो आप इंटेलीजे पे, कहीं पे भी आप इसको रन करें, आउटपुट सेम देगा, बिल्कुल आपको सही आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स। Bird on a tree, I'm just sitting here, I got time.